सरकार ने इस हफ्ते संसद में बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी के कोटे के आधे से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को जानबूझकर अवसर नहीं दिया जाता है? क्या है सही मामला? कितनी पद है खाली और क्यों अभी तक नहीं भरे हैं? इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम खास खास खबरों की नोटिफिकेशन ही आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ खास अपडेट। चलिए फिर चलते हैं खबर में, आपको बताते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी के लिए क्रमशः 7409, 3921 और 9960 पद स्वीकृत हैं। सरकार ने बताया है कि इन संस्थानों में एससी के 2847, एसटी के 1686 और ओबीसी के 5142 पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं, यानी कि आधे से अधिक पद अभी भी इन शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े हैं। पदों की यह संख्या केवल नॉन फैकल्टी पदों की है। अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय इग्नू, आईआईटी, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे संस्थान शामिल हैं। दरअसल उड़ीसा से आने वाले कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का, केरल के कांग्रेस सांसद बेनी बहनान और तमिलनाडु से आने वाले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर भी ने सरकार से पूछा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के कितने पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको बता रहे हैं आंकड़े। इन सांसदों के लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में एससी के लिए 7409, एसटी के लिए 3921 और ओबीसी के लिए 9960 पद स्वीकृत हैं। इनमें से एससी के आरक्षित 2847 पद, एसटी के आरक्षित 1686 पद और ओबीसी के लिए आरक्षित 5142 पदों पर अभी भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ये सभी ताज़ा आंकड़े हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी के एक सवाल के जवाब में बताया कि देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के स्वीकृत पदों में से जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी के कितने पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री के मुताबिक देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के लिए जनरल के 1505, एससी के 295, एसटी के 137 पद और ओबीसी के 378 पद स्वीकृत हैं। इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर जनरल के 543, एससी के 232, एसटी के 128 और ओबीसी के 361 पद खाली हैं। इसी तरह इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर के स्वीकृत पदों में से 2980 पद जनरल, 603 पद एससी, 295 पद एसटी और 770 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है। लेकिन इनमें से जनरल के 578, एससी के 449, एसटी के 254 और ओबीसी के 708 पद अभी भी खाली हैं। इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल वर्ग के 5751, एससी के लिए 1369, एसटी के लिए 709 और ओबीसी के लिए 2206 पद स्वीकृत हैं। इनमें से जनरल के 359, एससी के 310, एसटी के 207 और ओबीसी के 790 पद अभी भी खाली हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं,
देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में OBC और SC वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से 60% से अधिक खाली हैं। वहीं ST वर्ग के लिए आरक्षित 80% पद अभी भी खाली हैं। अब शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। इस संबंध में शिक्षा मंत्री निशंक का कहना था कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि लोग नियुक्त होते हैं और रिटायर होते हैं। उन्होंने कहा कि UGC ने विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए पत्र लिखा है। शिक्षा मंत्री के बात की तस्दीक आंकड़े नहीं करते हैं। देश के इन प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों में से अधिकांश सीटों पर नियुक्ति ना होने का कारण खोजने की कोशिश हमने की। इसी क्रम में SIVL हिंदी ने बात की लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा से। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि आरक्षण को लेकर हमारे यहाँ लोगों की मानसिकता अभी भी नकारात्मक ही है। लोगों को लगता है कि आरक्षित वर्ग के लोग कुछ जानते नहीं हैं और केवल आरक्षण की वजह से आ जाते हैं। मेरा अनुभव यह रहा है कि नियुक्तियों में आने वाले एक्सपर्ट SC ST के पदों को भरते ही नहीं हैं। उनका तर्क होता है कि उनके मुताबिक उस पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। वो उनके पास ऐसा करने का अधिकार भी होता है, इनकी मानसिकता का परिणाम है। शिक्षा मंत्री के सतत प्रक्रिया वाले बयान से BHU में पढ़ाने वाले प्रोफेसर MP अहिरवार सहमति नहीं जताते हैं। वे कहते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में SC ST और OBC के पदों पर तो नियुक्ति ही नहीं हुई है तो रिटायर होने का सवाल ही नहीं बनता है। वे कहते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में तो अभी ST SC और OBC के लोगों को घुसने ही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ये है सच्चाई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये यहाँ पर समझ में आया होगा। जब देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह हाल है तो राज्य के विश्वविद्यालयों का अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं कि वहाँ SC ST और OBC के लिए आरक्षित सीटों से कितनी भरी जाती होंगी। तो यहाँ पर कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हर यहाँ पर खास अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम खास खास अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, ताकि यहाँ पर आपको हर खबरों की नोटिफिकेशन समय के साथ मिल सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहें, और हम मिलते हैं फिर एक बार और एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।